नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। इन दिनों यूक्रेन और रूस में घमासान चल रहा है, जिसको लेकर लगातार रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी को लेकर रणनीति बना रहा है। तो वहीं यूक्रेन भी अपनी फौज को मजबूत करने में जुटा है, जिससे रूस के हमलों का जवाब दिया जा सके। हालांकि रूस यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर चुका है, जहां जहां से उसकी सीमाएं लगती हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन भी रूस को जवाब देने के लिए तैयार है, जिसको लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव में मैराथन कूटनीतिक और सैन्य बैठकें हो रही हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अब रूस ने 130,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा यूक्रेन की सीमाओं पर कर दिया है। वहीं अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के जरिए होने वाले हमले को लेकर भी बड़ा दावा किया। दरअसल दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि रूस यूक्रेन पर कब हमला करने वाला है। रूस बेहद गोपनीयता से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियां भी पूरी क्षमता के साथ रूस के प्लान को समझने में जुटी हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के एक अधिकारी ने खुफिया जानकारियों के विश्लेषण के आधार पर कहा है कि रूस बुधवार यानी 16 फरवरी को अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। हालांकि ये जानकारी देने वाला अधिकारी अमेरिकी प्रशासन की ओर से मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं था। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये खुफिया जानकारी कितना स्पष्ट है। बता दें कि रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग एक घंटे बात की, उन्हें यूक्रेन पर किसी भी तरह के सैन्य एडवेंचर के खिलाफ समझाया और चेताया भी। लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि 60 मिनट लंबी चली इस बातचीत से हालात में कोई बदलाव के संकेत नहीं है। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों का ऐलान है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। इसके अलावा हमले की स्थिति में अपने सप्लाई चेन को भी दुरुस्त किया है। रूस ने काला सागर में 6 जंगी जहाजों को भी उतार दिया है। ये जहाज उभयचर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये पानी के अलावा एक और माध्यम से भी हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही समुद्री तटों पर रूस की ताकत में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।